हम सभी को पता है कि इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है. वेल एज मच एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपके लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या कॉलेज गोइंग के छात्र हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस बिकॉज यू विल बी चूजिंग योर सब्जेक्ट्स. इसलिए आज हम अपने यहाँ स्टूडियो में दो ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर आए हैं फ्रॉम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो आपको बताएंगे या थोड़ा हो सकता है अपनी इन्फॉर्मेशन के द्वारा आपको एक राह दिखा सकें और आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो शायद वो अपने एंड से दूर कर सकें व्हेन इट कम्स टू द राइट सब्जेक्ट सिलेक्शन, द राइट कॉलेज सिलेक्शन, बोथ ऑफ दीज थिंग्स. तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टूडियो में स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ डॉक्टर इंदरजीत डागर जो कि हैं प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर डागर. और दोस्तों उनके साथ हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में इस समय जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जो कि हैं प्रिंसिपल ऑफ रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. नमस्कार डॉक्टर गुप्ता. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों से हम शुक्रिया करना चाहते हैं फॉर ज्वाइनिंग अस ओवर हियर टुडे. मैं आपसे शुरू करती हूँ डॉक्टर आगर. वी टॉक अबाउट वोकेशनल स्टडीज़, आप प्रिंसिपल हैं खुद ही कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के. आज के ज़माने में आप कितनी अहमियत देखते हैं वोकेशनल कोर्सेज की फॉर अ स्टूडेंट टू परस्यू दैट एज अ करियर? देखिए, कुछ गलतियां हमने की हैं करीबन जब हम लोग आज़ाद हुए हैं तो उस वक्त हमने जो कन्वेंशनल कोर्सेज थे उनको इतनी ज़्यादा अहमियत दी कि वोकेशनल कोर्सेज को हम भूल गए. लेकिन ये अच्छी बात है कि पिछले 5 साल में हम लोग दोबारा से ये समझ गए हैं कि अगर हमें जॉब क्रिएट करने हैं और हमारे जो युवा लोग हैं उनके लिए, हमने उनको जॉब के लिए फिट बनाना है, तो वोकेशनल कोर्सेज के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है. क्योंकि कन्वेंशनल कोर्सेज जो है जॉब ओरिएंटेड नहीं है. और अगर हमें जो इतनी लंबी आर्मी पैदा हो गई है अनएम्प्लॉयड यूथ्स की, उसको कम करना है, तो वोकेशनल कोर्सेज को हमें आगे बढ़ाना चाहिए. आज ये हालात हो गए इस देश में कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं लेकिन मेडिकल टेक्नीशियन की कमी है. हमारे पास इंजीनियर हैं लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे पास नहीं है. तो ये जो सिचुएशन, जो इम्बैलेंस हुआ है, उस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हमें वोकेशनल कोर्सेज को अहमियत देनी पड़ेगी. जब आप वोकेशनल कोर्सेज बोलते भी हैं तो किस तरह के, इसके अंदर कौन से कोर्सेज इंक्लूड होते हैं पहली चीज़? एक्चुअली वोकेशनल कोर्सेज का मतलब उन कोर्सेज है जो स्किल ओरिएंटेड है, जिसमें छात्र या छात्राएं कोई पर्टिकुलर टाइप का स्किल वहाँ पे सीखते हैं. ये सॉफ्ट स्किल भी हो सकता है, हार्ड स्किल भी हो सकता है. सॉफ्ट स्किल में जैसे मान लीजिए बैंकिंग रिलेटेड जॉब्स हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड जॉब्स हैं. हार्ड स्किल में जैसे जो इंजीनियरिंग बेस्ड जॉब्स हैं, जैसे वेब डिजाइनिंग है या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है. तो इस तरह के कोर्सेज जो है वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं. ओके, आपने बताया कि स्किल्स से रिलेटेड होते हैं सारे वोकेशनल कोर्सेज. एक बहुत अहम चीज़ यहाँ पे उठती है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री द्वारा भी मेक इन इंडिया ये पूरा कॉन्सेप्ट शुरुआत करी गई है. इसका कितना रिलेशन है इन वोकेशनल कोर्सेज के साथ? देखिए, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को अगर हमें सफल करना है तो उसके लिए स्किल आपको क्रिएट करना पड़ेगा. और स्किल क्रिएशन जो है सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज से ही आ सकती है. करेक्ट. तो जब तक मान ले मेक इन इंडिया के लिए अगर आपके पास मैन पावर नहीं होगी, आपको जो टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, जिस तरह के आपको टेक्नीशियन चाहिए, जिस तरह के आप क्वालिफाइड उस स्किल के लोग चाहिए, अगर उस स्किल अवेलेबल नहीं होगा तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता. और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया उसके साथ साथ उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी फोकस किया है. ट्रू, वेरी ट्रू. डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास अब आती हूँ. आप खुद भी प्रिंसिपल हैं रामलाल आनंद कॉलेज के. ये समय जो है बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए बिकॉज इट्स द टाइम व्हेन दे सेलेक्ट द राइट कॉलेज फॉर द राइट कोर्स. एक तरफ है एक ऑप्शन कि बच्चे वोकेशनल कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं, दूसरी तरफ आता है द स्टैंडर्ड चॉइस ऑफ चूजिंग अ सब्जेक्ट जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है. लेकिन अगर मैं एक सिंपल और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे पूछूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कई बार बच्चे कॉलेज की चाह में इतने ज़्यादा ड्रिवन हो जाते हैं कि सब्जेक्ट चॉइस को वो सेकेंडरी कर देते हैं, क्या ये चीज़ आपकी नज़र में सही है या गलत? ये साक्षी जी, ये प्रॉब्लम बच्चों की भी नहीं है, ये प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स से शुरू हो जाती है. अच्छा. जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो सबको कुछ कॉलेजेज ही ध्यान में आते हैं, चाहे उनको अपनी मर्जी का कोर्स, अपने रुचि का कोर्स जिसमें वो अपना एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो मिले या ना मिले, उनका प्रेफरेंस रहता है कॉलेज पहला. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर किसी को पढ़ने में रुचि है ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट, तो कॉलेज उसमें ज़्यादा मदद
नहीं कर पाएगा, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिसमें उनकी रुचि है, जिस कोर्स को वो करना चाहते हैं, उस कोर्स को पहले प्राथमिकता दें और उसके बाद कॉलेज का सिलेक्शन करें। पर ऐसा कई बार देखा जाता है कि बच्चे बहुत बार क्लियर ही नहीं होते हैं, उनके पास चार पांच सब्जेक्ट्स होते हैं, वो फिर भी लास्ट मिनट तक एक कंक्लूसिव डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पर आपका पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा बच्चों के लिए? ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कॉमन चीज होती है, हाँ, पांच बच्चे जनरली पांच सब्जेक्ट्स में बच्चे अपनी सीबीएसई की ट्वेल्थ की परीक्षा पास करते हैं, कई बच्चे छह पेपर भी पढ़ लेते हैं, और उन पांच में से उनको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा एक पेपर आगे उन्हें पढ़ना चाहिए, चाहे वो ऑनर्स लेवल पर हो, चाहे वो बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम लेवल पर हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन पांच में से जिसमें भी ज़्यादा रुचि उनकी रही है या जिसको वो खेलते खेलते पढ़े हों, समझते हुए पढ़े हों, आप सबसे पहले उसका चुनाव वो करें, और उसके बाद फिर सेकेंड प्रायोरिटी का जो सब्जेक्ट है जो उन्हें लगता हो उसके लिए अपने आप को तैयार करें। राइट, ओके, लेट मी कम बैक टू यू यहाँ पर डॉक्टर। जो हम बात कर रहे थे वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर अभी, और जैसे इन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर कॉलेज से ज़्यादा सब्जेक्ट की चीज़ होनी चाहिए, नो वोकेशनल कोर्सेज की जब हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट समथिंग जो हम आम तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक बच्चे को लेते हुए देखते हैं या लेते हुए एक्चुअली सीखते हुए देखते हैं। हाउ डू यू थिंक देयर कैन बी एन अवेयरनेस क्रिएटेड और इंटरेस्ट जनरेटेड ताकि बच्चे खासतौर से वी टॉकिंग ऑफ पीपल हु आर एंटरिंग और कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर एंटरिंग डी यू प्रमाइसिस, दे कैन ऑप्ट फॉर वोकेशनल कोर्सेज एंड कंसिडर दैट एज अ सीरियस चॉइस और द प्रायोरिटी एंड नॉट कीप दैट एज अ सेकेंडरी थिंग कि अगर हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं मिला तो हम वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं, बिकॉज बहुत बार वो थॉट प्रोसेस मानसिकता भी देखी जाती है। जी देखिए, आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया है, लोगों का जो माइंड सेट है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। हालांकि माइंड सेट अब बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन मैं 10 साल पहले की बात जब सोचता हूँ तो उस वक्त लोगों का माइंड सेट ये था कि वोकेशनल कोर्सेज जो है एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो अब वो एवरेज है इंटेलिजेंट उसके लिए वोकेशनल कोर्सेज नहीं है, ये धारणा थी, माइंड सेट था। लेकिन धीरे धीरे ये माइंड सेट जो है दूर हो रहा है, ये धारणा दूर हो रही है, और अब जो है पेरेंट्स भी और बच्चे भी वोकेशनल कोर्सेज के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, और जब वो चॉइस करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए तो उसमें कहीं ना कहीं वोकेशनल कोर्सेज भी उनके माइंड में है, उनके दिमाग में है। तो उसमें दूसरा बात आपने कहा कि जब हम कोर्स सिलेक्शन करते हैं तो मेरी राय ये है, जो भी स्टूडेंट्स अब एडमिशन लेना चाहते हैं, पेरेंट्स को भी ये राय है कि अपनी सोच बच्चों पर ना थोपे। बहुत सही बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ये कोर्स करे, अगर बच्चे का इंटरेस्ट उस कोर्स में नहीं है तो बच्चा सफल नहीं होगा। कितने केसेस हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, अपनी मर्जी का कोर्स दिलवा दिया, बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं, फिर आके हमें शिकायत करते कि हमारा बच्चा आजकल पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है। जब उनसे बात की जाती है पता चलता है कि उन्होंने अपनी मर्जी का कोर्स उन पर लाद दिया है। तो मेरी एडवाइस ये है कि बच्चे को अपने अंदर झांकना चाहिए, बच्चे को ये देखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, मेरा एप्टीट्यूड किस सब्जेक्ट में है, उसको करें। और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि आजकल स्कोप हर कोर्स का है, ज़रूरत इस बात की है कि जो भी कोर्स आप करें उसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं, एक्सपर्टीज हासिल करें, हर चीज़ का स्कोप है। Very true. कुछ लिमिटेड कोर्सेज के पीछे नहीं भागे, right. अगर इस तरह से भागेंगे तो भेड़ चाल होगा, तो हर सेक्टर में जो है सरप्लस हो जाएगा। Very true. आपने दो बात बहुत अच्छी उठाई जो मैं आगे अभी डॉक्टर गुप्ता से पूछूंगी। एक तो है कि बच्चों को जो कॉलेज कोर्स का सिलेक्शन करना है, पेरेंट्स का उनके ऊपर प्रेशर ना बनाया जाए। बहुत बार एक चीज़ उठती है वो ये कि माँ बाप का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है बच्चे का कि इट रिजल्ट्स की बच्चे की खुद से भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बना दी जाती हैं, एंड व्हेन दे फेल अ किड chooses to not be able to find himself settling in any space. होता है ना कि ये मानसिकता होती है कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे इंटेलिजेंट है, जो आर्ट्स लेगा वो इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है। वो साइकी आज भी बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। तो वहीं पे वो बात उठती है कि वोकेशनल कोर्सेज को बच्चा कैसे सीरियसली ले। उस तरह की साइकी को बदलने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जितने भी कॉलेजेज हैं सब ने कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए हुए हैं, करेक्ट, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हों, चाहे वो एड ऑन कोर्स हों, चाहे स्किल हो लैंग्वेजेस में। तो हर एक कॉलेज ने, करीब सभी कॉलेज ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ने, जो भी सुविधा उनके पास उपलब्ध है, जो भी टेक्नोलॉजी और जो भी फैसिलिटी उनके पास उपलब्ध है, उसके हिसाब से हर कॉलेज ने कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई छोटा शॉर्ट प्रोग्राम कोर्स, कोई एड ऑन कोर्स स्किल एनहेंस करने के लिए चलाया हुआ है। और मैंडेट यही है कि जो बच्चा अपना करिकुलम 3 साल का पूरा करके निकले, उसके पास एक ऐसी स्किल हो
जिससे उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए, मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ जाए, वो उन्हीं कोर्सेज पर डिपेंडेंट ना रहे जो वो पढ़ रहा है, और इससे करिकुलम भी एनरिच उसका हो पाता है। एंड एक चीज बहुत जरूरी है, जब हम वोकेशनल कोर्सेज की बात करते हैं, वी टॉकिंग अबाउट स्किल डेवलपमेंट, लेट्स नॉट फॉरगेट कि रियल लाइफ के अंदर किताबी दुनिया की बातें कभी काम नहीं आती हैं जितना एक्चुअली स्किल्स हमारी काम आती है। लाइक ड्राइविंग अ कार इज अ नेसेसिटी, इट इज अ स्किल आज के जमाने में, ना कि समथिंग दैट इज शो ऑफ। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? देखिए ऐसे है कि जैसे गुप्ता जी ने बात की एड ऑन कोर्सेज की, ये एड ऑन कोर्सेज की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि हमारे जो कन्वेंशनल कोर्सेज है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सफिशिएंट नहीं, पूर्ण नहीं है, तो उनकी वजह से नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो करेक्शन मैकेनिज्म है वो काम कर रहा है एड ऑन कोर्सेज के माध्यम से। तो लेकिन अब ये समय आ गया है कि हम एड ऑन कोर्सेज के बजाय हम कोर्सेज ही ऐसे बनाएं कि जिसमें स्किल कंपोनेंट जो है उसका एक इंटीग्रल पार्ट हो, और उसी उसी उसमें डायरेक्शन में जो हम लोग जब बीए वोकेशनल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, या आजकल लास्ट ईयर से डीयू में बीवॉक प्रोग्राम भी आ गए हैं, तो ये जो प्रोग्राम है जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत बनाए गए हैं, जिसमें यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एमएचआरडी और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले समय में जो है इस तरह के जो बीए वोकेशनल कोर्सेज हैं या एमए वोकेशनल कोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑफर होंगे, और मुझे लगता है कि बच्चे भी उसको अधिक से अधिक ऑप्ट करेंगे। ओके, लेट मी कम टू यू डॉक्टर गुप्ता। हम जो बात कर रहे थे, जैसे आपने बोला बीए वोकेशनल कोर्सेज या एमए वोकेशनल कोर्सेज की डॉक्टर डागर ने बात करी, क्या इन कोर्सेज के प्रति आज लोगों की मानसिकता बदली है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग चॉइस इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, और वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजी, वी टॉक अबाउट जो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स नहीं है, उसके अलावा क्या आज आप बच्चों को देखते हो कि दे आर मोर ऑप्टिंग टू गो फॉर द आर्ट स्ट्रीम्स एंड वोकेशनल कोर्सेज? डू यू सी दैट चेंज हैपनिंग? हाँ जी, ये ऐसा हो रहा है, और ख़ासतौर पर पिछले 4 साल में जब से इस पर प्राथमिकता गवर्नमेंट की रही है जी, उसमें जो कट ऑफ परसेंटेज अभी बताएंगे डॉक्टर साहब कि जो कट ऑफ परसेंटेज पहले वोकेशनल कोर्सेज में कम हुआ करती थी, अब वो कट ऑफ परसेंटेज काफ़ी हाई, आसमान को करीब छू रही है हर एक कोर्सेज में, जहां बच्चे को 85% 90% पर एडमिशन जिनका हो जाता था, अब वो उस परसेंटेज पर वहां पर एडमिशन उन्हें वोकेशनल कोर्सेज में नहीं मिल पा रहा है। ओके, एक चीज़ इससे मेरे दिमाग में ज़रूर आती है जो मैं आप ही से पूछूंगी बिफोर कमिंग टू डॉक्टर डागर, कि आप बात करें कि कैसे बच्चों की आज चॉइसेस बढ़ रही हैं, एंड कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया इवन वोकेशनल कोर्सेज की, अब इट इज़ नो मोर इजी टू गेट थ्रू दैट। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दैट, हाउ मच डू यू थिंक दैट टुडेज किड्स आर सॉर्टेड व्हेन दे आर चूजिंग अ सब्जेक्ट? क्या आपको बच्चों के अंदर कोई कन्फ्यूजन दिखता है, और डू दे कम विद अ वेरी क्लियर माइंड सेट कि उनको क्या सब्जेक्ट चाहिए? बिकॉज जहाँ पर बच्चे कई बार कॉलेज को ओवर सब्जेक्ट प्रेफर कर लेते हैं, पेरेंटल प्रेशर के अंदर आके स्ट्रीम्स बदल लेते हैं, या फिर वो कोर्सेज नहीं लेते हैं जिनके प्रति आम इंसान का या इंडस्ट्रीज का नजरिया वैसा नहीं है, जो हम कहते हैं पॉपुलर, वो नहीं है, तो क्या आपको वो बदलाव दिख रहा है? इफ यू वर टू गिव अ सजेशन टू आवर व्यूअर्स टुडे हु वाचिंग यू, उन बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखिए, पेरेंट्स की बात हुई, बच्चे की अपनी बात हुई, और कुछ तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी जाना, पीयर प्रेशर, तो जनरली क्या होता है कि एक बच्चे ने एक अपने मनचाहे कोर्स में, अपने इंटरेस्टेड कोर्स में एडमिशन लिया, उसके फ्रेंड ने किसी और कॉलेज में लिया, तो उस अपने फ्रेंड के साथ मिलकर रहना चाहता है, और वो उस कॉलेज से जंप करके वो नया कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, और वही कोर्स ले लेता है जिसमें उसने फ्रेंड ने उसमें कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है। तो कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज बच्चे आते हैं और देखने को भी मिलते हैं, और वो बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर हम उनका रिजल्ट इवेलुएट जब हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब उससे पूछते हैं काउंसलिंग के दौरान कि आपके साथ क्या समस्याएं रही, तो वो पहले यही बताते हैं कि सर हमने ये कोर्स ले लिया था जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं थे, और क्यों लिया? क्योंकि हमारे फ्रेंड ने ले लिया, या हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला, या किसी और किसी ने सजेस्ट किया कि ये कोर्स बहुत अच्छा है, मार्केट वैल्यू इसकी अच्छी है, और उस कोर्स में वो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बहुत धीरे धीरे करके बहुत ही पुअर होती चली जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, उन्हें अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो करनी ही है, चाहे वो फिर किसी भी कॉलेज में मिले।
But then उस केस में डॉक्टर डागर, हाउ डिफिकल्ट डज इट बिकम टू एक्चुअली काउंसिल द किड या उसके पेरेंट्स, जहाँ पे बच्चे ने फॉर एक्स वाई जी रीजंस अदर दैन हिज चॉइस ऑफ अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट चूज कर लिया, जिसमें उसका शौक है उसको उसने कंसिडर नहीं किया लेकिन बाकी फैक्टर्स कंसिडर कर लिए, वो एक तरीके से इज मच मोर वर्स दैन चूजिंग अ रॉन्ग सब्जेक्ट बिकॉज आपने कॉन्शियस मिस्टेक करी है. आप वहाँ पर फिर कैसे उस बच्चे की काउंसलिंग या पेरेंट्स की करते हो? देखिए, उसमें क्या है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों से हम बात करके देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का इस कोर्स में इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता है. अगर हमें लगे कि इस बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सकता है तो हम पेरेंट्स को एडवाइज़ करते हैं कि आप ऐसा करिए, एक साल आपका ख़राब हो कोई बात नहीं, आप इसको नेक्स्ट ईयर इनकी जो चॉइस का सब्जेक्ट वो दिलवा दें. अब तो एक ही साल खराब होगा, अगर अदरवाइज क्या होगा, तीन साल खराब होगा, इनफैक्ट पूरी जिंदगी हो सकती है खराब बिकॉज़ आपने सब्जेक्ट ही दूसरी ले ली. बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज़ मैं यहाँ दूसरा ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल स्टूडेंट्स पे भी प्रेशर ये है कि कई बार अपनी चॉइस का कोर्स नहीं मिल पाता क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म है, नंबर ऑफ सीट्स DU में या कहीं पर भी बहुत लिमिटेड है, पढ़ने वाले बच्चों का तादाद ज़्यादा है. तो उस केस में मैं ये राय दूंगा स्टूडेंट्स को कि आप अपना एक लिस्ट बना लीजिए, टॉप प्रायोरिटी ये कोर्स है, अगर ये बाय चांस नहीं मिलता है तो आप सेकंड प्रायोरिटी पे जाइए, थर्ड प्रायोरिटी पे जाइए. कई बार क्या होता है कि हम एक कोर्स के लिए कोशिश करते हैं और अगर मान लीजिए बदकिस्मत तो उस कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाता है, कट ऑफ इतनी हाई होती है, तो हम दूसरी सेकंड बेस्ट ऑप्शन की सोच नहीं पाते हैं और फिर हड़बड़ी में हम लोग जो कोर्स मिलता है उसको ले लेते हैं. तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप ठीक है अपना 1, 2, 3, 4 एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए और किसी वजह से अगर नंबर 1 में मिलता है नंबर 2 ले लीजिए, लेकिन होना चाहिए कोर्स आपकी चॉइस का. बहुत सही बात. अच्छा, यहाँ पे भी डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे कि कैसे वोकेशनल कोर्सेज की आजकल जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफर करता है कट ऑफ बहुत हाई हो गया है. व्हाट इज़ द प्रेजेंट कट ऑफ या इस साल का कट ऑफ क्या रहा है वोकेशनल कोर्सेज का? देखिए, हमारे यहाँ 7 कोर्सेज हैं जिसमें BA वोकेशनल स्टडीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट रिटेल बिजनेस है, देन मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमारा एक कोर्स है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो इन सब का कट ऑफ जो है डिफरेंट जाता है. 7 कोर्सेज है, 7 कट ऑफ आते हैं. लेकिन ये है कि क्योंकि दिस इज़ द ओनली कॉलेज ऑफ इट्स टाइप सिंस 1972, तो हमारा जो कट ऑफ है वह हालांकि शुरू से ही अच्छा रहा है और हमारे जो बच्चे हैं उनका जो प्लेसमेंट होता है जॉब्स के लिए शुरू से बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन पिछले 4-5 साल में जब से थोड़ा वोकेशनल एजुकेशन में हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया है और ये भी एक मतलब चॉइस में शामिल हो गया है कि ये भी एक ऑप्शन है बच्चे के लिए पढ़ने के लिए, तो उसके बाद तो कट ऑफ हमारा काफ़ी बड़ा है. कई कॉलेज में जो BA प्रोग्राम में जो कट ऑफ जाता है उसे कहीं अच्छे जो कॉलेज है DU के उनसे कहीं ज़्यादा कट ऑफ हमारा BA वोकेशनल स्टडीज़ में होता है. लेकिन वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आपने इतने सारे कोर्सेज बताए जो आप ऑफर करते हैं, हाउ डज अ किड गेट टू चूज और डिसाइड शुड आई से कि उसको कौन सा वोकेशनल कोर्स परस्यू करना चाहिए? जी देखिए, इसमें भी फिर से वही बच्चे का बिकॉज़ ऑल स्किल डेवलपमेंट वाले वो कोर्सेज, ऐसा तो है नहीं कि कोई ये जो है हमारे जो कोर्सेज हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, ये बेसिकली जो कोर्सेज है डिफरेंट सेक्टर से कनेक्टेड है, डिफरेंट इंडस्ट्री से कनेक्टेड है. करेक्ट. तो बच्चों को यहाँ पे भी अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वो कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहता है, वो मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहता है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहता है या टूरिज्म के फील्ड में जाना चाहता है, तो या मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहता है, तो यहाँ पे भी बच्चे को कोई भी कोर्स लेने से पहले अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस कोर्स के लिए उसका एप्टीट्यूड ज़्यादा है. दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप आज के टाइम में जो MBA कोर्स है, MBA कोर्स में स्पेशलाइजेशन होता है MBA विद मार्केटिंग, MBA विद फाइनेंस, MBA विद HRM, तो बच्चा अगर लॉन्ग टर्म की सोच के आ रहा है उसको मान लीजिए उसको HRM में स्पेशलाइज करना, तो HRM ले और फिर MBA भी HRM में करे, तो उसको 3+2 5 साल का उसका जो है एक्सपीरियंस HRM का हो जाता है, वो काउंट कर जाएगा. जी, राइट. तो यहाँ पे भी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को राय दी जाती है कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अपना वो सोचे कि किस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है. मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर गुप्ता, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक देन द रोल ऑफ अ काउंसलर बिकम्स इस केस में, बिकॉज बच्चों के पास जब लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं होती है एक तरीके से एंड दे हैव अ प्लेथोर ऑफ ऑप्शंस एंड दे लैंड अप मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, आप बाद में जाके रिग्रेट करें और एक साल ड्रॉप करके वापस एक साल मतलब यूज करके वेस्ट करके फिर आप दूसरी जगह ले, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक बिकम्स द रोल ऑफ काउंसलर्स देन इस केस में? देखिए, काउंसलिंग ये स्कूल से शुरू हो जानी चाहिए. हाँ, जो जब स्कूल में बच्चा जब 12th क्लास करता है, 11th करता है, तो वहीं से वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना शुरू करता है कि उसको साइंस स्ट्रीम में रहना है, कॉमर्स में रहना है या ह्यूमैनिटीज़ में जाना है.
हालांकि हमारे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्ट्रीम चेंज करने का प्रोविज़न है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस बच्चे ने दो साल कॉमर्स या साइंस पढ़ ली, उसके बाद वो ह्यूमैनिटीज़ में आकर एक साल उसका बहुत ही मुश्किल और कठिनाईपूर्ण होता है कि वो कैसे जो है उस कोर्स को अंडरस्टैंड करेगा और चला पाएगा। उसके बाद जो काउंसलिंग हमारे सभी कॉलेजों में ये प्रोविज़न और ये सुविधा उपलब्ध है कि हमने एक हेल्प डेस्क काउंसलिंग के नाम से सभी कॉलेजेस में उपलब्ध कराई हुई है, और उसमें जाकर बच्चे और पेरेंट्स जाएं, वहाँ हेल्प डेस्क के जो मेंबर्स हैं वो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे जाकर अपनी बात कहें, पूछें, और वहाँ पर उन्हें पूरी तरीके से जो भी वो चाहते हैं, जैसा भी क्वेश्चन उनके माइंड में है इस कोर्स को सिलेक्शन के लिए, तो अपना वो पूछ सकते हैं। करेक्ट। और दूसरे काउंसलर्स अभी अवेलेबल हैं, मार्केट में भी प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, आईक्यू देखते हैं, उनकी भी सहायता वो ले सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें हर कॉलेज का हेल्प डेस्क के मेंबर्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दिए हुए हैं, तो अगर कोई भी कोई किसी तरह की भी राय लेना चाहे, काउंसलिंग लेना चाहे, तो ईमेल भेज सकता है या मोबाइल पे उनसे बात भी कर सकता है। ओह दैट्स वेरी गुड। सो चलते चलते मैं आप दोनों से पूछूंगी, लेकिन स्टार्ट विद डॉक्टर गुप्ता, हमारे बच्चों के लिए जो आज आपको देख रहे हैं, बिकॉज ये एडमिशन प्रोसेस इस समय चल रहा है, व्हाट इज द पीस ऑफ सजेशन एंड एडवाइस दैट यू विल गिव देम टू मेक द राइट चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट? देखिए, जिसमें भी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जिसमें भी आपकी अपनी रुचि है, पहले सबसे पहले उसको देखें। फिर भी एक राय मैं सभी को देना चाहूँगा कि जब भी आपको लगे कि आप कट ऑफ में किसी भी सब्जेक्ट में आप आ गए हैं या किसी कॉलेज में आ गए हैं, तो सबसे पहले अपना एडमिशन वहाँ पर निर्धारित कर लें। ऐसा ना करें कि आप वेट करते रह जाएं और कट ऑफ किसी कॉलेज की सेकंड थर्ड में आपका नंबर ना आए और आप अपना एडमिशन लेने से ही वंचित हो जाएँ। तो जिस सब्जेक्ट में भी आप चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में अगर जिस कॉलेज में भी आपकी कट ऑफ में पहली कट ऑफ दूसरी कट ऑफ में आ रहा है, आप वहां सबसे पहले अपना एडमिशन ले लें, सिक्योर कर लें। मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को, काउंसलर्स को, टीचर्स को, रिलेटिव्स को, पीयर्स को राय देनी चाहिए जिसको एडमिशन लेना है, लेकिन अपनी मर्जी उस पर थोपे ना। और कैंडिडेट्स को ये मैं राय देता हूँ कि अपने मन की सुने, सबकी सुने, उसके बाद एक्चुअली डिसीजन जो है खुद करें। बहुत सही बात है, आई थिंक बहुत अच्छी बात है आज जब हमने दर्शकों को बताई। सो इन केस यू आर लिसनिंग टू अस, आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले एक दो हफ्तों से वी आर मेकिंग शो कि हम यूनिवर्सिटी के डीओ के जिसमें एडमिशन प्रोसेसेस चल रहे हैं उसके ऊपर आपसे कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कराएं जो आपकी मदद कर सकें इन मेकिंग द राइट चॉइसेस एंड डिसीजंस। सो आई होप दैट टुडे जो हमारे यहाँ दो प्रिंसिपल्स आए हैं उनकी वर्ड्स आपके लिए थोड़े हेल्पफुल होंगे इन मेकिंग द राइट चॉइस एंड द राइट डिसीजन इन चूजिंग the right subject for yourself from the right college. On that note, thank you so much, Dr. Dagar. Thank you so much, Dr. Gupta. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर. नमस्कार, good evening, thank you. Well, on that note, it's time for us to bid you adieu. लेकिन हमारी आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से अगले बुधवार शाम को 5 बजे. Till then, it's a goodbye.